हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड की लिमिट। तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की लिमिट को इंक्रीज करना है तो फ्रेंड्स, यहां मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी क्रेडिट कार्ड की बैंक ऑफ बड़ौदा की लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए हम जानते हैं हमारी लिमिट कैसे इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑनलाइन जानेंगे हम अपने लिमिट इंक्रीज करने के लिए कैसे रिक्वेस्ट करना है। तो हमें अपने जीमेल ओपन कर लेना है। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ देखिए कॉम्पोस लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हमें एक रिक्वेस्ट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर है फ्रेंड्स, उनको वही आपकी लिमिट इंक्रीज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी लिमिट इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ आपको पहले जो मैं फॉर्मेट में बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। अब यहाँ देखिए आपको पहले ऐसा लिख लेना है, उसके बाद आपका नेम लिखना है, पहले नेम का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ हमारा जो भी बैंक में नेम है सेम टू सेम वही देख के आपको लिखना है। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी अगर तो आपकी जो ये रिक्वेस्ट है रिजेक्ट हो जाती है, तो इसलिए आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। और आपको अब सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर जो होता है वो आपको लिख लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ आप कस्टमर आईडी या आप अपना अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो। अब मैं आपको पहले हमारा नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस जानेंगे। तो आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो कुछ दूसरा डाल दीजिए, कस्टमर आईडी या आपका अकाउंट नंबर। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ रिक्वेस्ट लिखेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट में लिखना है आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक। तो आपको पहले ऐसा लिख लेना है। इसके बाद आपको सेकंड लाइन में लिखना है प्लीज इंक्रीज माय क्रेडिट कार्ड लिमिट। तो आपको अब ये भी बताना है कि आप सही से पेमेंट करते हो, टाइम पे करते हो। अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया एक दो बार तो चलेगा, बार बार आपने ऐसा किया है तो ये आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपकी लिमिट वो इंक्रीज नहीं करेगी। जो फ्रेंड्स अच्छे से पेमेंट करता है, आपने अगर दो से तीन बार लेट किया हो तो चलेगा, बार बार आप लेट कर रहे हो या बहुत लेट भर रहे हो तो ये आप इंक्रीज के लिए भूल जाइए। आपको अपना पहले अच्छा सा इसमें स्कोर बनाना होगा फ्रेंड्स अच्छे से, तब जाके आपका प्रोफाइल होगा, आपने पेमेंट सही कर रहे हो, 6-7 EMI गया है आपका, हर महीने का बिल अच्छे से भर रहे हो, तो आप ये रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आप सही से नहीं कर रहे तो मत कीजिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर आपको लिखना है आई एम पे ऑल माई EMI एंड बिल्स ऑन टाइम। तो आपको इतना लिख लेना है और उसके बाद आपको थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड लिख लेना है। तो आपका अगर पेमेंट सही से टाइम हुआ फ्रेंड्स, दो तीन बार लेट हुआ तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपकी वो लिमिट नहीं बढ़ाने वाले, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। इतना लिख के रिक्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं, रिजेक्ट हो जाता है। अगर दो बार हुआ तीन बार हुआ तो आप लिख लीजिए आराम से, आपकी लिमिट बढ़ जाती है। तो यहाँ हमको अपना ऊपर सब्जेक्ट की लाइन में लिखेंगे क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट। इसके बाद यहाँ टू में हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्टमर केयर की जो क्रेडिट कार्ड की ईमेल आईडी होती है वो आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहाँ से लेना है और कहीं से भी आपको नहीं लेना है। कहीं से भी आपको कोई भी वेबसाइट से कॉपी नहीं करना है ईमेल, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कस्टमर केयर की ईमेल फ्रेंड रहेगा वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट से ही लेना है, बाकी किधर से भी मत लीजिए, और फिर आपको भेज देना है। तो दोस्तों हमारा ईमेल चले गया, अब उनके तरफ से रिप्लाई आएगा, आपको 48 आवर्स वेट करना है, वो चेक करेंगे आपने सही से पेमेंट किया है कि नहीं किया है, सारा पेमेंट सही से टाइम पे है, थोड़ा सा लेट होगा चलेगा, वो जैसे मैं आपको पहले बताया दो तीन चलेगा, बाकी सब नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन आपको ब्रांच में विजिट करना है और वहाँ जो मैनेजर होता है उनको बात करना है, बोलना हमें अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना है। तो वो आपको फ्रेंड चेक करेगा आपका प्रोफाइल, अगर सही सब सही पाया जाता है आपका, आपने सही से पेमेंट किया तो आपकी लिमिट के लिए वो रिक्वेस्ट आगे भेज देते हैं, फिर आपकी लिमिट इंक्रीज
हो जाती है, तो ऑफलाइन ऐसा कर सकते हो, ऑनलाइन आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके बोल दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।